धाकड़ खबर बेखौफ सुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से गलत भाषण पढ़वाया जा रहा है या उनके भाषण में गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं या पेश करवाए जा रहे हैं, ये हमारा कहना नहीं है। ये कहना है आनंद शर्मा का। आप जानते हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया, कहा कि मोदी तो खुद राष्ट्रपति का भाषण नहीं लिखते होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री तो लिखते नहीं होंगे, ना ही उनके मंत्री लिखते होंगे, लेकिन जो अधिकारी लिखते हैं वो गलत तथ्य राष्ट्रपति के भाषण में शामिल कर रहे हैं और राष्ट्रपति एज इट इज उनको पढ़ रहे हैं, इसलिए ये राष्ट्रपति पद की गरिमा को गिरा रही है मोदी सरकार। ये बड़ा ही गंभीर आरोप आनंद शर्मा ने लगाया। लेकिन मुझे लगता है कि आनंद शर्मा का वीडियो आपके सामने रखूं उससे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि अभिभाषण होता क्या है। देखिए, राज्यों में व्यवस्था ये है कि जितने भी राज्यपाल होंगे कैबिनेट उनको एक भाषण लिख के देगी, राज्यपाल को वही एज इट इज भाषण पढ़ना है। जब भी विधानसभा का सेशन शुरू होगा हमेशा राज्यपाल के अभिभाषण से ही शुरू होता है। इसी तरीके से जब भी संसद का, लोकसभा का या राज्यसभा का सेशन शुरू होगा तो उस वक्त राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ेंगे। जैसे बजट से पहले 31 जनवरी को राष्ट्रपति ने अपना एक अभिभाषण पढ़ा, उसके बाद बजट पास हुआ और बजट पास होने के बाद उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जो सिलसिला है उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया तमाम तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो उसी क्रम में बोलते हुए आनंद शर्मा ने कहा कि आप लोग राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी गिरा रहे हैं। हालांकि जब इन मुद्दों पर आनंद शर्मा बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष के वो लोग जो कल तक बड़े बड़े मंत्री पदों की सीट पे थे, आज नहीं है, उनसे मंत्री पद छीन लिया गया, उन्होंने आनंद शर्मा को बोलने से रोकने की कोशिश की। इस पर आनंद शर्मा खासे नाराज भी होकर हड़काया भी उन लोगों को और कहा कि कोई आप ही अकेले देश थोड़ी चला रहे हैं या देश आप ही का थोड़ी है, देश हमारा भी है और हम लोगों ने जो देश बनाया था आपने तो वो भी नहीं छोड़ा है। 2 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बना के आपके हाथों में दिया था, आपके हाथों में जब देश आया था तब 2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी और उन्होंने तमाम चीज़ें गिनवाई कि हम कौन लोग हैं, हमारी सरकारें कैसी रही हैं, हमने देश के लिए क्या किया है। उसके बाद वाजपेयियों की बोलती बंद हो गई। मैं आपके सामने ये विस्तार से उनका भाषण रखने जा रहा हूं, इसे सुनिए, काफी महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने बोली हैं, सुन लीजिए उनकी जबानी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में माननीय ये उम्मीद की जाती है कि एक महत्वपूर्ण ये तिथि होती है, संसद के दोनों सदनों को बोला जाता है कि देश के हालात क्या हैं, सरकार की नीतियां क्या हैं। ये अपेक्षा की जाती है कि ईमानदारी से चिंतन करके वस्तु स्थिति से देश के लोगों को ज्ञान दिया जाएगा, जो उपलब्धियां हैं उसको स्वीकारा जाएगा, पर जो चुनौतियां देश के सामने हैं उससे भी देश को आगाह किया जाएगा, जहां कमी रह गई उसको भी स्वीकार किया जाएगा और भविष्य के लिए क्या नीति है उन चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होनी चाहिए थी। मैं कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी कोई चर्चा नहीं है, ये निराशाजनक है, जमीनी हकीकत को और चुनौतियों को नकारता है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इज जस्ट अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स और प्रोग्राम्स। वो सब घोषणाएं हो चुकी पिछले बजट में, इस बजट में कोई नवी बात आए तो हम समझ लें, पर ये मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा। मैं सोच रहा था इसको सुनते हुए भी पढ़ते हुए भी, ये किसने लिखा, कौन महानुभाव, राष्ट्रपति नहीं लिखते, सरकार में प्रधानमंत्री जी, मंत्री लोग स्वयं नहीं लिखते। देखिए एक मिनट, प्रश्न पूछ रहा हूं, आपके बहुत लोग बोलते हैं, हमारे समय में भी लिखा जाता था, पढ़ लीजिए सब उठाकर, जो लिखा है उनकी थोड़ी जवाबदेही जरूर बनती है। जिसने भी लिखा ये कटाक्ष नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति के साथ अन्याय किया, ये जनता के विवेक को ललकारता है और देश के सामने जो कठिन परिस्थिति है उसको भी नकारता है। शायद समय आ गया है वस्तु स्थिति को देखते हुए सामूहिक चिंतन का, और जहां कई कमियां रह गई हैं उस पर कोई हर्ज नहीं है, उस पर पश्चाताप भी होना चाहिए। एक तस्वीर दिखाई गई है, एक सुनहरी तस्वीर,
अगर ऐसा ही कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं, अगर ये ऐसे ही टोका टोकी करेंगे मैं बैठ जाता हूं। इफ यू हैव अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर जाते हैं मिस्टर पोटर, इफ यू हैव अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर यू कैन रेज इट अंडर द रूल प्लीज। माननीय, एक ऐसी तस्वीर दिखाई गई कि देश बिल्कुल चिंता मुक्त है, खुशहाल है, विश्व में आर्थिक प्रगति में पहले नंबर पर है, हर मोर्चे पर भारत कामयाब है। ऐसा हो ये हम सब चाहते हैं, देश सबका है, ये आपका ही नहीं है, हमारा ही नहीं है, ये साझा देश है। कोई नहीं चाहता, चाहे सरकार के है या विपक्ष के, कि हिंदुस्तान आगे ना बढ़े। तो कृपा करके ये गहरी जो लकीरें खींची जा रही है इसको बंद कीजिए। हम भी चाहते हैं हिंदुस्तान आगे बढ़े, आप भी और हम भी। अब देखिए, अगर ऐसे चलेगा तो मुश्किल। नहीं, आप बोलिए, वो रिकॉर्ड में जाएगा, ये तो सरकार रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अगर व्हाटएवर यू से नाउ विल गो ऑन रिकॉर्ड, इंटरप्शंस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नो, ऑन रिकॉर्ड नहीं, हमारा समय तो खा रहे हैं। साहब, प्रजातंत्र में जो भी लोग सरकार में आते हैं, केंद्र में, राज्य में, वो समाज देश के निर्माण का काम करते हैं, अपेक्षा की जाती है, सबकी प्रतिबद्धता होती है और सबका योगदान रहा है। प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बुनियाद रखी थी। 14 बरस अंग्रेजों की जेल में रहे थे। आपको एतराज हो सकता है, विचारधारा से विरोध हो सकता है, पर सच्चाई और जो इतिहास के पन्नों पर अंकित है, जिसको देश दुनिया जानती है, कृपा करके उसका अपमान मत करें। इंदिरा जी की शहादत का, राजीव गांधी की शहादत का, उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हम स्वीकार करते हैं जितने प्रधानमंत्री आए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 6 साल प्रधानमंत्री रहे, हम स्वीकार करते हैं उनके समय में भी काम हुआ, हम कभी नहीं कहते उन्होंने कोई काम नहीं किया। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, उनके कार्यकाल में भी काम हुआ, ये याद रखिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, प्रजातंत्र में दो पक्ष हो सकते हैं और आवश्यक है, एक सोच एक विचारधारा संसदीय प्रजातंत्र में कभी नहीं हो सकती, ना होगी। एक दृष्टिकोण पे देश नहीं चलता, ना समाज बनता है। भारत बड़ा राज्य, बड़ा देश, प्राचीन देश है, सोच अलग हो वो ठीक है, पर एक दूसरे को छोटा दिखाना और अपने से पहले लोगों को अपमानित करना, ये उचित नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। भारत का उदय 2014 में नहीं हुआ, और जहां हम पहुंचे हैं ये 8 साल का सफर नहीं है, 74 साल का सफर है। पहली बार विकास हुआ, पहली बार विश्व में हमारा सम्मान हुआ, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, 1947 के बाद बड़ी संस्थाएं बनी। IIT सबसे पहले भारतवर्ष में कब बना था? आप पूछते हैं कि बताइए क्या हुआ, बताता हूं, 1951 में। कब बना था IIT आपका? इधर अहमदाबाद में 1964। भारत में परमाणु संस्था कब कायम की गई थी? 1954 में। भारत में पहला परमाणु विस्फोट जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1974 में हुआ था। अंतरिक्ष में आर्यभट्ट 1974 में चला गया था। 1955 में भाखड़ा डैम बन चुका था, नागार्जुन सागर डैम बन चुका था। 1961 के अंदर पंडित जवाहरलाल ने स्वयं जाकर नर्मदा पे नींव रखी थी, सरदार सरोवर बांध की, और उसका नाम सरदार जी को समर्पित किया था। ये सूची बड़ी लंबी है, मैं सभा पटल पर रखूंगा। मैं नहीं चाहता, देखिए, मैं नहीं चाहता, निवेदन कर रहा हूं, मैं
सच्चाई बहुत कड़वी होती है, हकीम की खुराक और सच्चाई बड़ी तक पर बीमारी को दूर करती है। माननीय, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आज सदन में, और इस चीज को आपसे निवेदन करता हूं, शायद मेरा ये अंतिम वक्तव्य है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं बोलने दीजिए। बस इतना कहूंगा, उसके बाद आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये देश बना है उसके निर्माण में सबका योगदान है, सरकार की निरंतरता होती है, समाज की निरंतरता होती है, कमियां भी रहती हैं। मैं कभी ये नहीं कहने वाले लोगों में से कि हमारे समय में सब कुछ प्राप्त हो गया था, कमियां होती हैं, और ये अपेक्षा की जाती है कि आने वाली सरकार से देश की जनता भी अपेक्षा करती है कि जो काम अधूरे हैं वो पूरे हो, नए काम आए, नई योजनाएं आए। पर कोई ऐसा भारत नहीं छोड़ के गए थे, एक परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष शक्ति, $2 trillion की इकोनॉमी, वो हिंदुस्तान हम भी छोड़ के गए थे। आपको कोई खाली ऐसा हिंदुस्तान नहीं मिला था जहां की जमीन बंजर हो, जहां के लोग कपड़े ना डालते हो, जिस देश का कोई सम्मान दुनिया के अंदर ना हो, ऐसा देश नहीं था। यही कह रहा हूं, इस मानसिकता को आप त्याग दें, ये त्याग देंगे देश का भला होगा, मैं यही कह सकता हूं। आज सच्चाई क्या है, और यह आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा, बहुत चुनौतियां भारतवर्ष के पास है, हमारे देश के सामने एक खौफनाक बेकारी है। आप अपना इकोनॉमिक सर्वे उठाकर पढ़ लें, जो भारत के अंदर कितने लोग हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, ये मैं नहीं कह रहा, आपका इकोनॉमिक सर्वे कहता है, 94 करोड़ लोगों को जो रोजगार के योग्य हैं इस देश के अंदर हैं, केवल 52 करोड़ लोगों को रोजगार है। आप कह रहे हैं 42 करोड़ हिंदुस्तान के लोग बेरोजगार, इसकी चिंता हम नहीं करेंगे, ये आलोचना की बात नहीं। अमीरी और गरीबी के बीच में बढ़ती खाई है, उद्योग टूट रहे हैं, बाजार टूट रहे हैं, रोजगार टूट रहे हैं, 2 साल कष्ट देश और दुनिया ने उठाया है। मैंने हम इतने गैर जिम्मेवार नहीं ये कहे कि कोरोना वायरस को आपने टेलीफोन करके बुलाया, पर यह वास्तविकता है, इससे नुकसान हुआ है और उससे हम उभरे नहीं हैं। माननीय, कुछ बरस पहले 2019 में ये कह दिया गया था राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कि 2024 तक 5 साल में हिंदुस्तान $5 trillion की इकोनॉमी बन जाएगा, पर ये 2 साल खराब हुए, उससे हमारा नुकसान हुआ। अब हम 31 मार्च 2022 को वहीं पहुंचेंगे जहां हम 31 मार्च 2020 को थे, ये सोचने की बात है, आपस में टीका टिप्पणी की बात नहीं है, ये हमको सबको मिलकर सोचना है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत पहुंचेगा, हम $5 trillion पे भी जरूर पहुंचेंगे, उससे आगे भी पहुंचेंगे, इस देश की जनता में क्षमता है और हम भी चाहते हैं पहुंचे, पर सच्चाई को तो मान लें कि चुनौती है हमारे सामने। मैंने ये बात इसलिए कही कि भारत सबसे नौजवान देशों में से है, हमारी मीडियन एज 28 बरस की है, इसलिए हमारी ये शक्ति भी है, ये चुनौती भी है कि अगर समाज में स्थिरता रखनी है, शांति रखनी है, इन नौजवानों के लिए अवसर पैदा करने होंगे। हम ये चीज स्वीकार नहीं कर सकता हमारा समाज कि अगर अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती जाए, 1% भारतवासियों के पास देश का 42.5% पैसा है, पूंजी है, 10% के पास 74.3% इस देश का पूंजी है, और जो गरीब 50% हैं उनके पास 2.8% देश का पैसा है। ये आनंद शर्मा नहीं कह रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, आपकी सरकार के आंकड़े बोलते हैं। इसलिए सोचें, जो मैं कह रहा हूं उसको गौर करें,
और स्थिति को सुधारने के लिए सामूहिक प्रयास करें जो राष्ट्रहित में हो और देश के भविष्य में हो। सुन लिया आपने आनंद शर्मा को, तो आनंद शर्मा ने डांटा डपटा और भयंकर तरीके से जो है डांटने के बाद पूरी बात अपनी सामने रखी और ये भी कहा कि ये मेरा आखिरी भाषण है। आप समझ ही रहे हैं कि उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, गुलाम नबी का कार्यकाल पहले समाप्त हो चुका हो तो कई सारे लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, हो सकता है आनंद शर्मा को दोबारा रिपीट कर दिया जाए या उसके बाद ना रिपीट किया जाए, ये भी एक चीज़ हो सकती है। पर जिस तरीके से उन्होंने कहा भावुक होके और कि आपके हाथ में देश जो दिया था वो देश क्या था और आपने आज क्या बना दिया, राष्ट्रपति पद की गरिमा भी गिरा रहे हैं। इससे पहले हमने आपके सामने एक वीडियो रखा था राज्यसभा का जिसमें प्रोफेसर मनोज झा ने राष्ट्रपति को आईना दिखाते हुए बहुत सारी चीज़ें कही थी, मोदी सरकार को भी बेनकाब किया था। उसके बाद अब ये दूसरा सिलसिला है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आनंद शर्मा का। राहुल गांधी को आप लोग सुन ही चुके हैं, इसके अलावा और भी तमाम लोग बोल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहेगा धक्कड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।